सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले इंसाइट्स का एक करंट अफेयर्स का क्विज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल यू फाइंड नेशनल वॉर मेमोरियल्स फॉर इंडियन सोल्जर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कौन से कंट्री में आपको मेमोरियल मिलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन सोल्जर्स के लिए? यूके, बेल्जियम, फ्रांस, नेदरलैंड्स। ऑप्शंस आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 2 और 3, यानी बेल्जियम और फ्रांस में आपको ये इंडियन सोल्जर्स के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल देखने को मिलेगा, जिन लोगों ने भी, जिन सोल्जर्स ने भी सैक्रिफाइस किया था, बलिदान दिया था अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो चला था 1914 से 1918 के बीच में। तो आपको पता होगा कि अभी 100 साल उसके पूरे हो गए वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो उसी के रिगार्डिंग अभी फ्रांस में जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, मिस्टर वेंकैया नायडू, तो वो इनॉग्रल करेंगे इसका फ्रांस में जाके। ठीक है, फ्रांस में जाके इसका इनॉग्रल करेंगे दूसरे वाले का। पहला वाला जो बना है वो है बेल्जियम में। ठीक है, दो बने अभी तक, एक बेल्जियम में और एक फ्रांस में भी इसका इनॉग्रल होगा। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सा सही है। पहला, देयर वॉज नो ग्रुप इन इंडिया दैट टुक एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन्स डिफिकल्टी बाई इनिशिएटिंग स्ट्रगल्स फॉर इट फ्रीडम। यानी कोई ग्रुप नहीं था इंडिया में जिसने कि ब्रिटेन, क्योंकि उस समय वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड में लगा हुआ था तो डिफिकल्ट सिचुएशन में था, तो किसी ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाया ब्रिटेन का, ताकि फ्रीडम जो स्ट्रगल है इंडिया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन रूल कर रहा था, तो फ्रीडम उनका फ़ायदा ना उठा के उनके खिलाफ किसी ने विरुद्ध नहीं छेड़ा, युद्ध नहीं छेड़ा। तो ये गलत है कहना, क्योंकि देखिए दो फेज थे, मॉडरेट्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे। इन दोनों ने तो सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स का। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया इस वजह से क्योंकि वो समझते थे कि उनका अधिकार है, दैट इज़ देयर ड्यूटी। एक्सट्रीमिस्ट ने वो ये सोचा, जैसे बाल गंगाधर तिलक, कि हम सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स ये सोचेंगे कि इंडियंस लॉयल हैं और हमको आज़ाद कर देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे। लेकिन ये खैर गलत सोचना था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया ये मान के। तो इन दोनों ने सपोर्ट किया, लेकिन जो सप्रेसिव थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया टू इनिशिएट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दूसरा है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाता है। दूसरा है, द मॉडरेट सपोर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू। तो भी मैंने बताया मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज देयर ड्यूटी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा ऐसा क्वेश्चन कि द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली रैंक मोर देन 1.6 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री ऑन 6 पैरामीटर्स एज पार्ट ऑफ मिशन अंत्योदय। तो 1.6 लाख ग्राम पंचायत को रैंक किया है 6 पैरामीटर्स में मिशन अंत्योदय के तहत। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स। तो दो स्टेटमेंट दिए गए उसी के रिगार्डिंग। पहला, द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स आर अमंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो ज़्यादातर साउथ और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कहना गलत है क्योंकि इस साउथ में तो है, ये बात सही है क्योंकि जैसे केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म किया अगर बात किया जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, इन मेनलैंड इंडिया द एवरेज स्कोर ऑफ ईच स्टेट रिड्यूसेस कंसिस्टेंटली एज वन मूव्स फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ। यानी कि अगर कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो ये स्कोर घटता हुआ नजर आएगा। ये गलत बात है क्योंकि ऐसा नहीं है, मिक्स्ड सिचुएशन अगर आप मैप में देखोगे तो मिक्स सिचुएशन नज़र में आती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, इसराइल हैज़ बॉर्डर्स विद। तो इसराइल कौन से देश के साथ बॉर्डर्स बनाता है? लेबनान, सीरिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, फिर जॉर्डन। तो बस आप सऊदी अरबिया हटा दीजिए, सभी के साथ बनाता है। नहीं, लेबनान के साथ भी बनाता है, इजिप्ट के साथ बनाता है और जॉर्डन के साथ बनाता है और सीरिया। ठीक है, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन सभी के साथ बनाता है यहाँ पर। और ये इसके कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि विरोधी हैं अगर बात करें, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, ठीक है, और लेबनान भी, इजिप्ट भी, सभी इसके विरोधी हैं। अब देखो अगर मैप में तो, और सभी से ये घिरा हुआ है। और आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको दिए हैं दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट फाइंड्स दैट द वर्ल्ड्स वेटलैंड आर डिसअपीयरिंग 3 times फास्टर देन द फॉरेस्ट। तो जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड के वेटलैंड है वो डिसअपीयर हो रहे हैं 3 गुना तेज़ी से फॉरेस्ट के कंपैरिजन में।
सही है स्टेटमेंट। दूसरा है नो इंडियन सिटीज ऑन द लिस्ट ऑफ द रामसार कन्वेंशन हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज फॉर सेफ गार्डिंग एंड कंजर्विंग वेटलैंड्स। तो यहाँ पर कोई भी इंडियन सिटी नहीं है जिस जो कि रामसार कन्वेंशन के अंदर आती हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें कोई इंडियन सिटी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, धन्यवाद।